मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की 120 लाडली बेटियां बाघा हुसैनी वाला बॉर्डर की सैर करने निकली। इसके लिए रविंद्र भवन में गुरुवार दोपहर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित रहीं। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर करीब 2 बजे इन लाडली लक्ष्मियों को विशेष बस में बिठाकर स्टेशन के लिए रवाना किया। अगले साल से भोपाल में 1 जून को भोपाल विलीनीकरण और भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर शासकीय अवकाश होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह 8:15 पर यह घोषणा की। उन्होंने एक शोध संस्थान बनाने की बात भी कही ताकि राजा भोज और रानी कमलापति आदि का इतिहास युवा पीढ़ी को बताया जा सके। उज्जैन में आए तूफान के कारण महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई थी। प्रतिदिन कांग्रेस भ्रष्ट अधिकारियों और भाजपा सरकार पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को भोपाल से 10 प्रदेश प्रवक्ता का दल विनती करने के लिए महाकाल के दरबार में पहुंचे। इसी दौरान 30 फीट ऊंचाई से एक और पत्थर पिलर से गिर गया, जिससे मीडिया कर्मी बाल बाल बचे। प्रधानमंत्री मोदी की हिटलर और सदाम हुसैन से तुलना करने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति लाल भूरिया पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस विषकुंभ जैसी हो गई है। प्रधानमंत्री तो नीलकंठ हैं, वह ऐसा विषपान कर लेते हैं, लेकिन देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। इंदौर में करनी सेना के कार्यकारी जिला अध्यक्ष मोहित सिंह पटेल की गोली लगने से मौत हो गई। मोहित के सीने में 2 गोली लगी है। गोलियां लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गई है। सूत्रों का कहना है कि मामले के पहले हत्या के एंगल पर जांच की जा रही थी, अब पुलिस ने आत्महत्या के एंगल पर भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मोहित के हाथ में गन पाउडर मिला है और गाड़ी अंदर से लॉक थी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।